मार दिया तुमने चूहे को? क्यों मारा? अब खेल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज्जत, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें, आजकल हम बहुत सवेरे स्कूल आ रहे हैं, मतलब कि तकरीबन 7:45 तक मैं स्कूल पहुंच जाती हूं, और स्कूल की टाइमिंग है 8:30। क्या करूँ, लिफ्ट का मसला है। तो बस देखें, आती हूँ तो जो फूल गिरे हुए रहते हैं या कुछ मैं तोड़ भी लेती हूँ। तो ये मरियम वैसे तो गुस्सा होती है, मगर मैंने बता दिया, देखो तुम्हारे सूट से मैच कर रहा, तो देखें अब कितना खुश हो रही है ना। तो बस क्योंकि अभी टीचर के आने में बहुत टाइम है, तो बस मैं ले के बैठ गई मरियम को। क्लास से मैंने उठाया एक छोटा सा गेम और वो मरियम को दे दिया कि वो खेलती रहे। तो देखें मरियम बहुत खुश हो रही है कि उसको नज़र आ रहा है फ्लावर, और मरियम ये खेलती रहती है। तो बस ये मैंने ला के दे दिया कि अच्छा है, आप साथ में जो क्या कर रही हो, मैं देख रही हूँ इस मौकी की मोहब्बत हफ्सा के साथ, लेकिन आज आके हफ्सा के साथ सोया जबरदस्ती का घुस के, लेकिन साथ साथ और सर देखे कितने प्यार से तकिया पे रखता है। ये ऐसे ही सोएगा, कहीं भी सोएगा ये, इसको सर जो है ना अपना तकिया पे ये ऊँची चीज पे टेक लगाना होता है। हद तक एक दिन धूप सेक रहा था, नीचे सोया हुआ था, तो नीचे से मेरे चप्पल से टेक लगाया अभी नींद में चला गया है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में, अब एकदम इंसानों की तरह सोएगा। थैंक यू बोलो मम्मा को, थैंक यू। देखो आपके कपड़े से मैच हो रहा है, ऐसे रख के दिखाओ, वाओ है ना। अब मरियम ऐसे दिखाओ, शाबाश, बहुत प्यारा लग रहा है ना। मरियम क्या बता है, मरियम जो है ना बिहेवियर की क्लास है, मिससे बोली मैं रोज़ा नहीं रखी हूँ। मिस बोली मरियम का आज रोज़ा नहीं है, मैं बोली नहीं रोज़ा है। तो पैर फिर मैं निकली, अब मिस इकरा के पास लेके गई, कोठी कोठी में गई, अब जाते साथी वाले लगाती मी दरवाजा खोले, तो मिस दूसरे बच्चे को एक्सरसाइज करवा रही थी। और देखें आज लास्ट डे है और आज मुझे स्कूल आई और अच्छा मरियम आ गई मतलब मरियम तकरीबन 8 साल कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ ये तो कोई नहीं समझ पाया। देखा तो बहुत सारे लोगों ने सीख रहा है ऐसी, और देखे भी सुबह की बर्थडे थी तो बस मरियम और मैं बोली मिस को मेहंदी दे दो, मिस को इसने ऐसे मेहंदी उठा के दिया हाँ, और देने के बाद मिस बच्ची को खड़े होके इसके सामने ऐसे साइड में दीवार से खड़े होके एक्सरसाइज करवा रही थी। ये बोली मिस, एक दफा बोली मिस समझी कि मरियम जैसे छेड़ती है, मिस बोली आ गई मरियम रुको, फिर बोली मिस, फिर बोली मिस बोली हाँ मरियम वेट वेट, फिर ये बोली मिस, फिर ऐसे बोली ना, मगर मुझे लग गया कुछ दूसरा काम अजीब सा हो रहा है। फिर ये बोलते बोलते ये बूढ़ी ऐसे करके दरवाजे की तरफ देखी और देख के इसको आँख बिल्कुल रेड हो गया हाँ, उसके बाद फिर आंसू भर गया, एकदम पसीना आने लगा। मैं इसको खिलौना उठा के दी कि ये खिलौना खेलो, नहीं मैं फिर मैं समझ गई मैं बोली मिस इसका तबीयत कुछ खराब हो रहा है, मैं समझी आपका ही मसला हो रहा है, देखिए दौड़िए अब तो हम घर आ गए ना। फिर क्या हुआ? मिस मिस से पूछने लगी क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी लेके पंखा चलने लगी, मगर इसको पसीना आया जा रहा और ऐसे एकदम आँख बिल्कुल रेड हो गई। मिस से बोला आँख में कुछ चला गया है इसके, एक और कहने लगी अभी आप इसका खाना किनारे थे ना, माँ को भी नहीं बोलना चाहिए, नजर लग गया बच्ची को। मिस बोली आप इसको थोड़ा देर ग्राउंड में ले जाइए, ताकि ना ग्राउंड में ले जाके मरियम थोड़ा हवा में घूम ले तो इसका थोड़ा तबीयत अच्छा लगेगा। ग्राउंड में आके ये और इतना रोने लगी, फिर सबीन आई बाहर किसी बच्ची को छोड़ने में, सबीन को बुलाई थी, सबीन का बात सुनती है थोड़ा है खुश हो जाएगी, सबीन बोली चलो मेरे साथ छोड़ो मेरे कमरे में बैठना, मगर नहीं बोली नहीं नहीं जाऊंगी। फिर सबीन मायरा से टिश्यू भिजवाई क्योंकि इसको आंसू भी आ रहा था, नोजी भी आ रहा था, आँख लाइट हो गया था बिल्कुल। फिर वो मैं थोड़ी देर इसको दुआ हुआ जल्दी जल्दी वही हॉस्पिटल में चटाई नजीक पढ़ाई, फिर अलम तो पढ़ाई सब पढ़ाई बढ़ाई, मगर औरत लोग बोली थी क्या हो गया, किस मिस ने मारा मरियम को, क्या हो गया क्या हो गया, एकदम से मुड़ी मुड़ के बोली आप लोग क्यों तंग कर रही है मुझे, ऐसे बोली औरत लोग को। तो वो एक औरत है ना वो बोलती है सबके सामने बात करती मरियम, आज तक मरियम आदमी से वो बोली हाँ सही है मरियम ठीक है मैं समझ गई तो बोलती हूँ मैं मरियम को इतना गुस्सा आया था, फिर मैं सबको मना की मरियम को कुछ नहीं बोलो अभी, मरियम को अच्छा नहीं लग रहा है।
फिर बैठी रही, फिर मैं फिर तो थोड़ा सा, फिर एक लड़की थी उससे बात बात, वो नहीं चौकीदार की बेटी छोटी वाली, वो मेहंदी लगाई दी थी, तो मैं उसको बुला ली ना कि ताकि अपनी उससे बातचीत करें, अपनी उसको प्यार की, बोली तुम्हारा मेहंदी बहुत प्यारा है, तुम्हारा नाम क्या है, सब पूछी उछी, इधर देखे ना, है ना, आप उससे पूछी थी ना, बहुत प्यारा मेहंदी लगाई थी ना, वो बहुत प्यारा मेहंदी लगाई थी, तो मैं बोली अब रूट अच्छा हो गया, मैं बोली चलो अब फिर क्लास लेने के लिए, फिर इतने जोर जोर से रोने लगी कि नहीं जाऊंगी, देखो फिर जब मैं बोलूंगी ना, देखो फिर देखो जब मैं बोलूंगी ना, किसी तरह का नाम नहीं आ रहा है ना, तो रोने लगेगी ऐसे, तो फिर ये रोने लगी, फिर मैं एक औरत से बोली कि मरियम को देखिए, मैं गई जाके मैं इसको बताई, किसी तरह लगी सच्ची, बोली आज ही मैंने आके तिलावत की थी यहाँ पे, और आप, मैं बोली मैं आपको पहले ही बोला यहाँ तिलावत लगा के रखी, करें बोली हाँ लगा के रखती हूँ, आज तो मैंने खुद भी यहाँ तिलावत की है, तो मैंने बोला मगर देखिए मरियम चलेगी, अच्छा मैं ग्राउंड में आती हूँ, हाँ मिस की तरफ देख रही नहीं है, मिस इतना बोल रही है, चलो मरियम, बोली नहीं मिस, बोली फिर क्लास कैसे लूँ तुम्हारी, बोली यहाँ ले लीजिए क्लास, हाँ आपके रूम में नहीं आऊँगी, मिस के रूम में भाव था, तो मिस भाव बन गई थी, इधर देखो मरियम मरियम, अच्छा बता तो दो, मिस बोली ना मरियम से पूछ के आइएगा तो फिर मैं बहू को भगाऊंगी, मिस के रूम में था ये, बाहर गेट के पास खड़ा हुआ था, इधर देखो मरियम, अच्छे से बताइए मेरी बेटी, चलो सर तुम कमी करो, छोड़ो भेजिए, इधर देखिए आप बताइए, मिस के गेट के पास खड़ा हुआ था, है ना, इधर देखो, नहीं बताएंगी, अच्छा छोड़ दो, नहीं बता, अब सर छोड़ दो गाड़ी, हटो 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 हटो, बस हट गई हट गई, तो आप देखो फिर इतनी तबीयत खराब हुई, फिर वो पूरी कोशिश की, पहले तो घर भी नहीं आने मांग रही थी, फिर शुक्र है कि थोड़ी देर बाद मैं बोली अब घर चले, तो घर आ गई, मगर इतना चक्कर हुआ कि मैं एक दफा दरवाजे को ये गेट खुलवाई तो फिर वो ये इसके हाथी की मम्मा आ गई, वो बोलने लगी क्या हो रहा है यूनियन में, देखा आपने वीडियो ये वो, फिर रुक गई, फिर याद आया कि अरे वो उसका हमजा का शूज लेना है, फिर वो शूज लाने गई, फिर दो दफा गेट खुला, फिर तीसरी दफा गेट खुलने ही वाले थे, तो फिर वैसे ही सुभान की मम्मा बोली मेरा सामान लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो फिर मैं बोली अरे हाँ आपका सामान तो लाए, आप मिल रही नहीं है, बोली मैं आपको ढूंढती, फिर वो सामान नहीं खरीदी ऐसे, फिर आप आ गया, चौकीदार भी ऐसा था कि तीन दफा गेट खुला हुआ, अब देखें हमारे अलावा दुनिया में अल्लाह की और भी मखलूक रहती है, अब मरियम ने क्या देखा मुझे नहीं पता, बस ये कह रही थी कि बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डरा रहा था, बाल पर से हाथ उठाइए, इधर देखो निशिक्रा ने बोला है मरियम को बहुत शाला प्याल कर दे, हाँ कुछ कर दिया आपने, कुछ ले लिया मिस का, हाँ शहरी खा ली, इधर देखो तो शहरी खाई, हाँ अच्छा अब आज से तो स्कूल पर है ना, अब स्कूल नहीं जाना है, ठीक अच्छा, इधर एक तरफ बात सुनो, हाँ निशिक्रा कैसी है, इधर देखो बताओ निशिक्रा कैसी है, मुँह से बोलो अच्छी है ना, हाँ तो आप जाएंगे मुझसे क्लास लेंगी, हैं हैं इधर देखो मेरी बात सुनो, है आपने क्या देखा था मिस इकरा के रूम में, है क्या देखा था, इधर देखो गंदा था, है बहु था, है आप लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग भी बताइएगा कि मरियम को क्या हुआ था, तो बस मरियम के सामने जब भी ये जिक्र हो रहा है मरियम डर जा रही है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।